अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी एग फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 3 अदद आलू लिए और इनको छीलकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब मैं इनको फ्राइज़ की शेप में काट लूंगी। इस तरह से ये सारे फ्राइज़ मैंने काट लिए हैं और अब मैं इसमें डालूंगी 2 अदद अंडे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ओरेगनो, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टेबलस्पून इसमें मैं मैदे के डाल दूंगी। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ऑयल हमारा बड़ा अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब मैं इन पोटैटोस को इसमें एक एक करके डाल दूंगी। हमें इसमें फौरन चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि अगर हम इसमें फौरन चम्मच चलाएंगे तो हमारी कोटिंग सारी उतर जाएगी। 2 मिनट के बाद मैं इसको मिक्स करूंगी और जब ये कुक हो जाए और चारों तरफ से बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी एग फ्राइज हमारे तैयार हैं। आप इसे केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए।